हेलो दोस्तों, जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्तों का निर्माण करते थे। वही भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिसका संबंध ना तो वास्तु से है ना ही खगोल विज्ञान से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड फैक्ट इन हिंदी में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कामख्यात मंदिर। कामख्यात मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। वही माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस शक्तिपीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी, मतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थित है। वहीं 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो यहाँ के मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। शनि सिंगणापुर। भारत में सूर्यपुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक मुख्य मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ स्थित शनिदेव की प्रतिमा बगैर किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे चबूतरे पर विराजित है। यह भारत का एक अनोखा मंदिर है। और हाँ, अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त नारुतो की वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर में स्थित है। यह मंदिर दिखने में तो आम मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 से भी ज़्यादा काले चूहे, जो इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से खास, अलग और बहुत ही अनोखा बनाते हैं। वहीं इस मंदिर में लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। कन्याकुमारी मंदिर। समुद्र के तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर स्थित है, जहां पर देवी पार्वती के कन्या रूपी अवतार की पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक बहुत ही चर्चित मान्यता है। मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। दरअसल कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ सुबह के समय हर होटल की छत पर टूरिस्ट की भारी भीड़ सूरज के उगने के लिए जमा होने लगती है। इस मंदिर के सूर्योदय की बात ही इसे अन्य मंदिरों से और भी खास बनाती है। कैलाश मानसरोवर। यहाँ मान्यता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। इस मंदिर को धरती का केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही प्रसिद्ध कैलाश पर्वत भी मौजूद है। यहाँ की संपूर्ण क्षेत्र को शिव और देवलोक कहा गया है। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में कई बार की गई है। दरअसल कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,000 से भी अधिक फुट ऊंचा है, इसीलिए मंदिर और भी खास बन जाता है। तो ये थे भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल पे हर हफ्ते ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होती रहती है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को कह दें कि हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पे रोज़ाना ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहती है, तो देखना ना भूलें। और जय हिंद, वंदे मातरम।